बालाघाट जिले की वारासिवनी पुलिस ने चोरी की बाइक्स बेचने वाले गिरोह के 12 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 34 बाइक जब्त की हैं। एसपी समीर सौरभ ने बताया कि मामले में मास्टरमाइंड फरार है जिसकी तलाश की जा रही है। साथ ही बताया कि बाइक चोर ऑन डिमांड नागपुर से बाइक चोरी कर बिक्री के लिए पहुंचते थे। फरार आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी, इससे पूछताछ में खुलासे होने की संभावना है। वो वारासिवनी का है जिसमें एक बाइक चोरी के बाइक बेचने वाले गैंग का खुलासा हुआ है। इसमें अभी तक हम लोगों ने लगभग 12 आरोपी राउंडअप किए हैं और 34 बाइकें जिसमें अधिकतर बाइकें नागपुर से चोरी हुई महाराष्ट्र चोरी हुई उनको जब्त किया है। इसमें एक आरोपी अभी फरार है जो कि इस पूरे चीज़ का मास्टरमाइंड है और मुझे लगता है उसकी गिरफ्तारी के बाद और भी बाइकें इसमें रिकवर होगी। इन लोगों का जो मोडस ऑपरेंडी था वो नागपुर से बाइकें चोरी करके और यहाँ का जो इनका लोकल नेटवर्क है जिसको हम लोगों ने अभी राउंडअप किया है उनके माध्यम से चोरी की बाइकें बेचना और ताकि डिमांड उनका कहना था डिमांड के आधार पे हम लोग बाइकें वहाँ से चोरी करवा एक बहुत बड़ा गैंग है। निश्चित तौर पर 34 बाइकें हमने जब्त की है वारासिवनी थाना प्रभारी की पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। दूसरा प्रकरण उकवा का है जिसमें इसमें लूट का भी प्रकरण था वारासिवनी में डकैती का प्रकरण इसमें सोचे पूरी चीज़ का खुलासा उसी से हुआ जब हम लोगों ने डकैती की योजना बनाते हुए कुछ लोगों को राउंडअप किया फिर वहाँ से जो बाइकें जब्त हुई उसके बाद अपने पूरे प्रकरण का खुलासा हुआ। बालाघाट से वीरेंद्र श्रीवास की रिपोर्ट।